they created almost 40 to 50,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, और उसके बाद हमारी सरकार ने बहुत कम हो गया है स्पीड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज दिस ओनली. एट दैट टाइम देयर वॉज नथिंग कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, कि जहां पे आपकी लैंड एक्वायर करनी हो तो सरकार रातों रात लैंड एक्वायर कर देगी. आज की तारीख में लैंड एक्वायर करने के पीछे सरकार को मतलब हो जाता है कि सालों निकल जाएंगे तो भी नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ. एट दैट टाइम जब आपको रेलवे बनानी थी तो आपने रेलवे बनाई है, उसके पीछे भी आपने डायरेक्टली मन कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया, ऑर्डिनेंस ला दिया, खत्म हो गया, लैंड एक्वायर हो गई. एक हफ्ते, 15 दिन, 2 साल, 5 साल के अंदर आपकी रेलवेज का डेवलपमेंट देखने को मिलता रहेगा. लेटर ऑन दे ऑल्सो डेवलप द रेलवेज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक पर्पज. यहाँ पे इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो पाए, इजी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स भी होनी चाहिए. दे वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ बेस इन इंडिया, और यहाँ पे एक अच्छा बेस, कंसोलिडेटेड बेस तभी हो पाएगा जब आपकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट एंड टू एंड कॉर्नर तक होगा. आज की तारीख में भी यही है ना. स्ट्रेटेजिक पर्पज को लेके अगर आप बात करोगे, आप पहाड़ी वाले विस्तार के अंदर या बॉर्डर वाले विस्तार के अंदर क्यों देखा करते हो कि आपके रास्ते और उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं पे युद्ध वुद्ध करना है या आपको अपने डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी स्ट्रांग करनी है, देन यू नीड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. By that time, the Britishers wanted to rule over India in a very cunning way and a very cruel way. और वो cruelty का जो पूरा का पूरा उनका जो objective fulfill करना है, वहाँ पे railways का development तो होना ही चाहिए, वरना आए दिन withdraw तो होते रहे हैं. Revolt took place at each and every corner of this country, और हर एक को आपको suppress करना है तो suppress करने के पीछे force भी भेजनी होगी. वो force आप railways के through भेज सकोगे. Also benefited the heavy industries of England. ऊपर से यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज थी उसका भी फायदा रेलवे करा के थी. हम लोग जान